वकील पुत्र एवं पत्नी द्वारा बुजुर्ग को अपने ही मकान से मारपीट कर निकाल दिया। आज इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा बुजुर्ग ने लिया जनसुनवाई का सहारा। आनंद राव कापसे, जो कि अत्यधिक बुजुर्ग होने के बावजूद हार्ट बीपी और अस्थमा से ग्रस्त है। आनंद राव की पत्नी, जिनका स्वर्गवास हो गया है और आनंद राव चलने फिरने में असमर्थ, 4 माह पूर्व पुत्र अंतिम कापसे के पास इलाज हेतु डॉक्टर के पास जाने के लिए आता था। आनंद राव को पुत्र अंतिम कापसे द्वारा बुरी तरह से मारपीट कर घर से निकाल दिया। दोनों पैरों में गंभीर चोट के निशान होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ है, ना ही चलते बनता है और ना ही खड़े होते। आज अपने दूसरे पुत्र द्वारा जब उन्हें जनसुनवाई में लाया गया और उन्होंने अपनी पूरी आपबीती कलेक्टर को जनसुनवाई में सुनाई, अपने ही मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा मेरे पुत्र अंतिम कापसे द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई और मुझे घर से निकाल दिया गया। आज मुझे इलाज के लिए नागपुर के डॉक्टर द्वारा 10 लाख रुपए का खर्चा बताया, किंतु आज मेरे पास ना ही रुपए है और ना ही मेरे द्वारा बनाया गया मेरा स्वयं का मकान। आज मैं अपने मकान को बेचकर अपना इलाज करा सकूं, किंतु मेरे पुत्र द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरी प्रॉपर्टी मकान से मुझे निकाल दिया गया है और मेरा मकान मुझे बेचने नहीं दे रहे और मुझे धमकी दे रहे हैं कि अगर मकान किसी को बेचेगा तो तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। मेरा आनंद राव कापसे है। कहाँ से है? ये सारणी से झोपड़ी में रहते, रिटायरमेंट होम में। क्या क्या हो गया आपके साथ? मेरे साथ में मैं ट्रीटमेंट करता था, इधर उधर गया था, तो मेरे बच्चे ने तो मदद तो नहीं की है और मेरे बच्चे दूसरे सक्षम भी नहीं है कि कुछ करें, परंतु मेरी प्रॉपर्टी भी दूसरी कुछ नहीं है, यही प्रॉपर्टी मिली थी, इसके द्वारा मैंने मकान बनाया और मकान बनाने के बाद में मैं इधर उधर इलाज करने जाता था, तो इसने मतलब अपनी बाउंड्री डाल ली मकान के सामने, और बाउंड्री डालने के बाद में और मैं उधर से इलाज करके ऐसे ही आया, तो उनने मेरे को बोले काहे के लिए आए, यहाँ क्या आए तेरा, कुछ धक्का मार के मेरे को मार दिया और गिरा दिया दोनों मियाँ बीवी ने। क्या आपके बेटे और आपके बहू? बहू ने। हाँ। लड़का क्या करता है आपका? लड़का वकील है अपने कोर्ट में। साथ नहीं? नहीं, यहाँ बैठो में काम। हाँ जी। हाँ, अंतिम कुमार कापसे है। क्यों मारपीट किया? कितनी बार मारपीट किया? दो तीन बार मार दिया, एक बार जूता भी मार दिया। आपने शिकार के थाने वाने में नहीं की थे पहले? नहीं की थी। आज? अच्छा, आज किसके पास आया? आज बच्चों को लेके कलेक्टर साहब के पास आया कि मेरी कोई सुनाई नहीं होती, तहसीलदार भी नहीं सुनाते, हमारा कोई काम नहीं है, ये क्या हमारा खेती बाड़ी का है, तुमको जहाँ जाना है चले जाओ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास पैसे अतले कुछ नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर इलाज कराने जाऊँगा। मैं डॉक्टर के पास पूछा गया तो 10 लाख बताए थे, तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं और कुछ नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि अब मकान बेचो, अपना इलाज करो। मकान वो प्रॉपर्टी है किसकी? प्रॉपर्टी है बस। किसकी है वो मकान? के पूरे 1600 स्क्वायर फीट है। किसका है वो? किसका है? मेरा आनंद राव कापसे का है। कब्जा कर लिया? आपके कब्जा कर लिया और मेरे को भगा दिया दोनों बहू बेटे ने, चलो अब कुछ नहीं, यहाँ जाओ तुम। कब से भगा? और धमकी भी देता है। इतना समय हो गया सबको? ये अभी दो साल से तहसीलदार साहब दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए, कभी हाथ देने का इधर उधर जाते, कहीं भर से निकलेते, और दिलीप पटवारी भी उसके पक्ष में है और कुछ कहता नहीं, कुछ नहीं, हंसता मजाक करता है और ऐसे ही फोन लगवाते रहते लोगों से। क्या मतलब? मैं झोंपड़ी में रहता हूँ, सारणी में मेरा कोई कुछ नहीं है। अभी हाल मुकाम कहाँ बैतूल में रहते हो आप? नहीं, आपका लड़का कहाँ रहता है? वो तो वकील बना करता है अंतिम कुमार बैतूल में, मैं तो सारणी में रहता झोंपड़ी में।